खेल दिवस। विद्यालय में कई दिनों से खेल दिवस की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों ने मिलजुल कर पूरे मैदान की सफाई की है। मैदान में जगह जगह चूने से सफेद रेखाएं बनाई गई हैं। आज बच्चे बिना बस्ता लिए ही स्कूल आए हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आज खेल दिवस है। दिन भर खेलकूद ही होंगे। मुख्य अध्यापिका ने माइक पर खेल प्रारंभ होने की सूचना दी। खेल अध्यापिका ने सीटी बजाई। मेंढक दौड़ होने वाली थी। इसमें भाग लेने वाले बच्चे सामने आ गए। बच्चों को मेंढक की तरह बैठकर फुदकते हुए दौड़ना था। जब सब तैयार हो गए तब अध्यापिका ने दौड़ शुरू करने का इशारा किया। बच्चे फुदक फुदक कर दौड़ने लगे। दुबली पतली नमिता सबसे आगे थी। गोलू दौड़ते दौड़ते लुढ़क गया, फिर उठा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब बारी थी लंगड़ी दौड़ की। बच्चों को एक पैर से ही दौड़ना था। दौड़ने वाले सभी बच्चे कतार में खड़े हो गए। अध्यापिका ने सीटी बजाई। दौड़ शुरू हुई। कुछ दूर पहुंचने के बाद रीता ने अपना दूसरा पैर भी जमीन पर रख दिया। वह दौड़ से बाहर हो गई। अभिनव तेजी से दौड़ रहा था। वह सबसे आगे निकल गया। रबड़ की गेंद दूर तक फेंकने का खेल भी हुआ। बारी बारी से गोल घेरे में खड़े होकर बच्चे गेंद फेंकते। अध्यापिका देख रही थी कि कौन गेंद को अधिक दूर तक फेंकता है। जब गोलू की बारी आई उसने खूब ताकत लगाकर गेंद को फेंका। गेंद सड़क पर जा रहे ट्रक की छत पर जा गिरी। वह ट्रक के साथ ही चली गई। बच्चे गोलू का करतब देखकर बहुत खुश हुए और जोर जोर से तालियां पीटने लगे। बोरा दौड़ में भाग लेने वाले बच्चे बोरा हाथ में लिए थे। अध्यापिका बारी बारी से बच्चों को पास बुलाती, बोरा पहनाकर बोरे के दोनों सिरे उन्हें पकड़ा देती। निखिल भी बोरा लेकर आया था। यह देखकर सभी बच्चे चकित थे। सदा पढ़ाई में जुटा रहने वाला निखिल भी आज खेल के मैदान में था। दौड़ शुरू हुई। बोरे पहने हुए बच्चे उछलते फुदकते कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। दौड़ते दौड़ते गौरव अचानक गिर गया।
खड़ा होने की कोशिश की, वह खड़ा नहीं हो पाया। वह लुढ़कते लुढ़कते ही आगे बढ़ने लगा। दौड़ देखने वाले बच्चे हंस हंस कर तालियां बजाने लगे। अब बारी थी टॉफी दौड़ की। इस दौड़ में हिस्सा लेने वाले बच्चों के हाथ पीछे करके बांध दिए गए। सामने कुछ दूर ऊंचाई पर बंधी रस्सी में टॉफियां लटक रही थीं। सीटी बजते ही बच्चों को दौड़कर टॉफियों तक पहुंचना था। उछलकर एक टॉफी मुंह में दबानी थी, फिर दौड़ते हुए लौटना था। सीटी बजी, बच्चे दौड़ने लगे। धीरज सबसे लंबा था, वह पहले पहुंच गया। उसने उछलकर एक टॉफी मुंह में दबाई और मुड़ा। मुड़ते ही विजय से टकरा गया। दोनों गिर पड़े। देखने वाले बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। इस बीच सुलभा ने उछलकर टॉफी दांतों से पकड़ी और तेजी से दौड़ने लगी। कुछ और बच्चे भी उसके पीछे आ रहे थे। अब बारी थी रस्सा खींच की। इस खेल के लिए दो दल मैदान में थे। एक ओर भीम दल था, दूसरी ओर शक्ति दल। अध्यापिका ने सबको समझाते हुए कहा, जो दल रस्से को खींचता हुआ अपने पाले में ले जाएगा वह विजयी होगा। दोनों दलों के खिलाड़ियों ने मजबूती से रस्सा पकड़ लिया। सीटी बजते ही रस्सा खींचना शुरू हो गया। दोनों दल बराबरी के थे। देखने वाले बच्चे चिल्ला रहे थे, जोर लगाकर हैया, खींचो मेरे भैया, जोर लगाकर हैया, खींचो मेरे भैया। कभी लगता कि रस्सा इस पाले में आएगा तो कभी दूसरे पाले में जाता लगता। कई मिनट तक दोनों दल जोर लगाते रहे पर निर्णय नहीं हो पाया। अध्यापिका ने सीटी बजाते हुए कहा, खेल बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद अध्यापिका ने सीटी बजाई। सब बच्चे उनके आसपास इकट्ठे हो गए। पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को पुस्तकें और खिलौने दिए गए। सभी बच्चों को फल बांटे गए। बच्चे खुशी खुशी अपने घर चल दिए। कठिन शब्द माइक, माइक, ट्रक, ट्रक, रेखाएं,
रेखाएं। लुढ़कते लुढ़कते, लुढ़कते लुढ़कते। निर्णय, निर्णय। चकित, चकित। कर्तव्य, कर्तव्य।